उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले सिद्धार्थनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसएसबी के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। बताया जा रहा है कि एसएसबी ने एक नाबालिग लड़के को मानव तस्करी से बचा लिया है। एसएसबी के 43वीं वाहिनी के जवानों के हाथ लगी ये बड़ी कामयाबी। आरोपी और नाबालिग को नेपाल पुलिस के हवाले किया गया है। हमारे सहयोगी परवेज अहमद हमारे साथ फुलाइन के जरिए इस वक्त जुड़ चुके हैं। परवेज, अब एक बड़ी कामयाबी एसएसबी के लिए, क्या है पूरा मामला? जी जब्बार, मैं आपको बता दूं कि ये सिद्धार्थनगर जिला जो नेपाल सीमा भारत से खुला हुआ सीमा है, इसको लेकर के आए दिन ये मानव तस्करी का पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि मानव तस्कर भी कई पकड़े गए हैं। एसएसबी ने बड़ी कार्रवाई की है, कई लड़कियों को, नाबालिग बच्चियों को भी पकड़ा गया है मानव तस्करी का। अक्सर ये फंडा चलता है कि नेपाल से गरीब का, उनकी गरीबी का वो झांसा दे करके, कमाने का झांसा दे करके इंडिया में लाया जाता है। इंडिया में ले जा करके महानगरों में, यहाँ तक कि कई बार खुलासा हो चुका है कि उनको बेचा भी जाता है। कुल मिलाकर के देखा जाए कि ये जो भारत नेपाल की खुली सीमा है, मानव तस्करों के लिए इस समय काफी सेफ जोन बनती जा रही है। क्योंकि अब एसएसबी ने इस पे पिछले दो महीने की बात करें तो एसएसबी से जो अधिकारियों से मेरी बात हुई थी, एसएसबी अधिकारियों ने कहा कि लगभग पिछले महीने में उन्होंने 27 लोगों को इस तरह से पकड़ा था जो मानव तस्करी में लिप्त थे। कईयों को जेल भेजा, कईयों को नेपाल के पुलिस के हवाले करके वहां के हिसाब से कानूनी कार्रवाई किया गया। जी जब्बार, चलिए बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए।